हेलो गाइज, मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइज़, आज वाली वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम अपने व्हीकल को कैसे मेंटेन करें अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसे हमने खड़ा कर रखा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी इंडिया में चल रहा है प्रॉपर वाला लॉकडाउन। तो अब लॉकडाउन के टाइम में क्या होता है कि देखो, हम सबको क्या है कि घर के आसपास सामान लाना होता है या फिर हमारा कहीं दूर जाना आना नहीं होता, तो व्हीकल का क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक वो खड़ा रहता है। तो ऐसे केस में हम अपने व्हीकल की कैसे मेंटेनेंस करें, तो आज वाली पूरी वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है। सो गाइज़, अभी कुछ ही टाइम के अंदर मैं क्यू एन ए भी करने वाला हूँ। तो कोई क्यू एन ए में अगर आपको अपने क्वेश्चन है कोई, तो आपको अगर पूछना है, मतलब क्यू एन ए में आपको अगर कोई भी पार्ट लेना है, तो नीचे डायरेक्टली #QnA यूज़ करो और नीचे अपना जो क्वेश्चन है वो लिख दो, तो मैं आगे क्यू एन ए में वो वाले क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको क्या करना है कि ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो बार अपने इंजन को स्टार्ट कर लेना है। इंजन स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑयल पूरे में सर्कुलेट होगा, सारा प्रॉपरली हर एक चीज़ फंक्शनिंग सही से होती रहेगी और नॉर्मल रहेगा सब कुछ। दूसरा है पॉइंट इसी के अंदर कि तो जैसे बैटरी जो है धीरे 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 ड्रेन होनी शुरू हो जाती है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उसको रखते हो। तो बैटरी ड्रेनिंग का जो इशू है वो नहीं आएगा। बैटरी ऑटोमेटिकली अगर आप 10 मिनट के लिए स्टार्ट छोड़ देते हो तो कितना 100-200 ml फ्यूल लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। इतने फ्यूल के अंदर आपका मतलब बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। जैसे मेरे वाले केस में क्या है कि मैंने GPS भी लगाया हुआ है, मेरे पास एक वो है वायरलेस कंट्रोलर भी लगाया हुआ है, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो वो क्या है कि मेरा बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसमें मेरी बैटरी हमेशा ही मतलब यूज़ होती रहती है। चाहे मैं अपना व्हीकल लॉक भी कर दूँ तब भी वो चलते ही रहते दोनों चीज़ें। तो इससे क्या होता है, बैटरी लो हो जाती है। अब जैसे मेरा क्या था, अभी मेरे कुछ 6-7 दिन स्कूटी खड़ी रही, उसके बाद मेरी बैटरी बिल्कुल जीरो हो गई थी, तो मैंने बैटरी निकाल कर ही रख दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा है कुछ, आपने ऐसा कोई कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिकल लगा रखा है जिसको अगर आप यूज़ जैसे मतलब बिना यूज़ करे भी वो ऑन रहता है हमेशा, तो आप बैटरी को रिमूव कर दो, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी कुछ नहीं पता कितने लंबे टाइम तक होने वाला है। तो मैंने बैटरी डायरेक्टली निकाल के रख ली और चार्ज करके उसे रख दिया है। जब मैं कभी जाऊंगा आगे तो उससे पहले मैं उसे लगा लूंगा। और बेनिफिट बहुत सारे हैं भाई, अगर आप खड़ा करके रखोगे, आपको पता है यार नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप एक चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक के लिए छोड़ दो तो उसके अंदर धीरे 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 खराबी आने लग जाती है, तो आप उसे ट्वाइस अ वीक स्टार्ट कर लो। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपने उसे साइड स्टैंड पर स्टार्ट खड़ा किया हुआ है, जैसे अपने स्कूटी बाइक जो भी चीज़ है आपने साइड स्टैंड पर लगाई हुई है, तो साइड स्टैंड में क्या होता है कि जो टायर है एक साइड से दब जाते हैं, मतलब एक एक साइड से कैसे बताऊं, जैसे आप हम एक खड़ा कर देते हैं तो एक साइड से दबे हुए रहते हैं। अगर आपके टायर में थोड़ी हवा कम है ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उसे डबल स्टैंड पर लगा दो। डबल स्टैंड पर एटलीस्ट नीचे वाला जो जो एरिया होता है सिर्फ वो टच हो रहा होता है, साइड से नहीं होता। बहुत बार मतलब कंपनी भी इस चीज़ को सजेस्ट करती है कि अगर आपने ऐसे साइड स्टैंड पर लगा रखा है तो उसको दो तीन मतलब जैसे अगर 5-6 दिनों के अंदर उसको आगे पीछे करते रहो ताकि टायर की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहे। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए उसको एक ही पोजीशन में छोड़ दोगे टायर एक साइड दब जाएगा और फिर बाद में आपको बहुत सारे बैलेंसिंग के इशू आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको ये करना है। सो गाइस, जो थर्ड पॉइंट है हम उस पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपना फ्यूल का जो टैंक है उसे पूरा फुल करवा के मत रखना, चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो कुछ भी चीज़ हो, क्योंकि देखो फ्यूल की लाइफ होती है, फ्यूल ना 30 डेज, मतलब बहुत सारी अलग अलग जैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें होती है, बट मैं आपको बोलता हूँ 30 डेज है कि 30 डेज तक आपका फ्यूल सही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ना उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। वैसे अगर बिल्कुल एयर टाइट अगर किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, कंटेनर जैसे हमारा पेट्रोल टैंक भी कंप्लीटली कंटेनर टाइप ही होता है, अगर पूरा एयर टाइट है तो उसमें क्या होता है कि एयर टाइट वाले जो प्रॉपर्टी है वो 6 महीने तक फ्यूल को चला सकती है। बट स्टिल फिर भी हमें देखो अपने व्हीकल को टू द बेस्ट पॉइंट रखना है, हमेशा मेंटेन रखना है। तो मेंटेन का मतलब ही है कि आपको हमेशा कोई भी ऐसी कुछ गलती नहीं करनी जिससे आपके इंजन में कभी कोई प्रॉब्लम आए। तो अगर आपका फ्यूल ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मिसिंग करने लग जाएगा कंप्लीटली, उसकी जो कंबशन जो है वो थोड़ा सा मिसिंग करेगा, मिस फायरिंग होने लग जाएगी इंजन के अंदर और आगे बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो फ्यूल आप फुल मत करवाओ टैंक के अंदर, थोड़ा डलवाओ, जितने की ज़रूरत है उतना डलवाओ, इतना डलवा लो कि आप पेट्रोल पंप तक जा सको, क्योंकि पेट्रोल पंप देखो खुले हुए हैं सारे और पेट्रोल पंप नहीं बंद हो रहे, चाहे उस पर सारे जो एम्प्लॉय हैं उनमें से 70% स्टाफ हटा दे, 30% स्टाफ सिर्फ काम कर रहा है और वो 30% भी मतलब ऐसा है कि कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ। तो जब आपको ज़रूरत होगी आप तब डलवाओ, अदरवाइज अब मत डलवाओ, क्योंकि अब डलवाओगे तो फिर फ्यूल में प्रॉब्लम आएगी और फिर आगे आने वाले टाइम में आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। सो गाइस, थर्ड पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग रहते हैं जहाँ पे बारिश हो रही है या जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है, ऐसे एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए थर्ड पॉइंट होने वाला है। तो जैसे अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है या फिर आपके एरिया में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो आप फटाफट से क्या करो कि मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं मेटल के, जैसे ब्रेक लीवर हो गया और उसके अलावा आपका स्टैंड हो गया, किक का वो हो गया, साइड जो फुट रेस्ट होते हैं वो हो गए, उन सब में आप ऑयलिंग कर दो। कोई भी लुब्रिकेंट आप यूज़ कर सकते हो, WD-40 जैसे मैंने आपको बहुत टाइम पहले एक वीडियो में बताया था, तो WD-40 है तो दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। आपको सच बताऊँ मॉइस्चर बिल्कुल नहीं आने देता उस जगह पर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आपके पास लुब्रिकेटिंग के लिए आपके पास अवेलेबल है, इंजन ऑयल है, कुछ भी आपके पास किसी भी तरह का ऑयल है, आप वो ऑयल से लुब्रिकेट कर दो उस पार्ट को, बाद में आप जब कभी फ्यूचर में सर्विस करवाओ कुछ करवाओ तो वो नॉर्मली आप कोई अच्छा लुब्रिकेशन जो भी है वो आप डलवा सकते हो।
और बेसिकली क्या है कि हमें अपने इस व्हीकल को भी सेफ करके रखना है बिल्कुल ही। तो आप ट्वाइस अ वीक स्टार्ट कर लो और पेट्रोल आप कम से कम रखो, मतलब जैसे क्या है 100-200 ml अगर आप स्टार्ट भी कर दो 10-15 मिनट, 100-200 ml लगना है, तो इस बेसिस पे थोड़ा पेट्रोल रखो, ज़्यादा नहीं, जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना डलवाओ, अदरवाइज़ मत डलवाओ। और थर्ड है अपना रेनी सीजन में इस चीज़ों का ध्यान रखो। सो गाइज बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस करने थे क्वारंटाइन के लिए। और प्लीज़ गाइज आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज़ घर पर रहिए। देखो सबके सब लोग कह रहे हैं और केसेस डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बट स्टिल हमारा इंडिया भी बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रहा है और सारे देशों के मुकाबले। तो इसलिए भाई बेस्ट है कि अपना घर पर रहो, अपना घर पर अपना आपको एजुकेशनल कंटेंट देख लो या फिर अपना इंजॉय कर लो, जैसा आपको टाइम पास करना है आप कर लीजिए। वैसे मैं सजेशन दूँ तो प्लीज़ टाइम पास करो, बट लिमिट तक करो, फिर आपको हैबिट बन जाएगी उस चीज़ की। और फिर आगे आने वाले टाइम में देखो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इकोनॉमी पूरी कंप्लीटली डाउन हो चुकी है, तो इसलिए देखो कंप्लीट मेहनत हमें ही करनी है। तो अभी आप थोड़ा सा सीख लो, कुछ चीज़ नॉलेज लेनी हो तो नॉलेज ले लो। सो गाइज बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, और जो भी आप कर सकते हो ना मतलब मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और Q&A याद रखना भाई, Q&A होने वाला, क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दो। सो बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।